मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। हनीमून एंजॉय कर मुंबई लौटे प्रियंका और निक। न्यूलीवेड कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस देश लौट चुके हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान निक प्रियंका का हाथ थामे नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों ओमान में थे, वहां उन्होंने मिनी हनीमून टाइम स्पेंड किया। हालांकि उनकी लोकेशन के बारे में अभी तक ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। पीसी ने पिक वन शोल्डर टॉप और ब्लू डेनिम पहना है। फोटो में प्रियंका मंगलसूत्र पहने नजर आ रही है, वहीं निक कैजुअल लुक में स्मार्ट लग रहे हैं। उदयपुर में ईशा अंबानी और आनंद पीरामल का संगीत फंक्शन अटेंड करने के बाद निक्यांका मिनी हनीमून पर निकल गए थे। प्रियंका ने इंस्टा पर तस्वीरें भी शेयर की थी। ईशा आनंद के संगीत में महाआरती। मुकेश और नीता अंबानी की बेटी ईशा की मुंबई में आनंद पीरामल से शादी हो गई है। इससे पहले 8-9 दिसंबर को उदयपुर में ग्रैंड संगीत पार्टी हुई। देसी और विदेशी मेहमानों ने शिरकत की। संगीत सेरेमनी के लिए भव्य इंतजाम थे। उदयपुर में रस्में शुरू होने से पहले महाआरती का भी आयोजन हुआ। पिछोला झील के घाट पर अंबानी के पूजनीय भगवान श्रीनाथ जी की आलिशान प्रतिमा लगाई गई थी। अंबानी और पीरामल परिवार ने भगवान जगदीश की महाआरती की। इस दौरान वहां मौजूद मेहमानों ने भी खड़े होकर भगवान जगदीश की आरती की। सभी के हाथों में दीपदानी थी। बेटी के संगीत फंक्शन में नीता अंबानी ने खास परफॉर्मेंस दी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मधुराष्टकम पर डांस करती नजर आई। मधुराष्टकम 500 साल पहले लिखा गया भगवान कृष्ण का खूबसूरत विवरण है। इसे संत वल्लभाचार्य ने लिखा था। हिलेरी क्लिंटन ने नीता के डांस एक्ट को बेहद पसंद किया। जगदीश भगवान की आरती के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय था। महाआरती का ये विशाल दृश्य अभिभूत करता है। महाआरती में अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन ने शिरकत की। वो अंबानी परिवार के जश्न में शामिल होने भारत आई थी। संगीत के बाद शादी में नजर आए प्रियंका और निक। ईशा अंबानी की शादी में देश विदेश के कई मेहमानों को न्योता दिया गया था। महानायक अमिताभ बच्चन परिवार समेत जश्न में शामिल होने पहुंचे। अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन और बेटी श्वेता भी नजर आईं। आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव के साथ ईशा की शादी में शामिल होने के लिए एंटीलिया पहुंचे। अंबानी परिवार की इन खुशियों में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे। अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन भी शादी के लिए एंटीलिया पहुंच गईं। शादी के जश्न में शामिल होने एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी पहुंची। शादी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिस रास्ते से बारात आई उस पूरे रास्ते में विशेष सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया था। ईशा अंबानी की शादी में सितारों का मेला। रॉयल वेडिंग में देश की जानी मानी हस्तियां पहुंचीं। आलिया भट्ट ब्लू ड्रेस में आकर्षक नजर आईं। अभिषेक बच्चन पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या के साथ इस शादी में शामिल होने पहुंचे। शाहरुख खान की पत्नी और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान रेड साड़ी में पहुंची। सचिन तेंदुलकर अंबानी परिवार के बेहद करीब हैं, उन्होंने भी परिवार के साथ इस रॉयल वेडिंग में शिरकत की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे, उनकी अगवानी अनिल अंबानी ने की। अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन भी शामिल हुई। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा भी अंबानी के मेहमान बने। क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा भी शादी समारोह में नजर आए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अंबानी परिवार की खुशियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी लता के साथ पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शादी में शिरकत करने पहुंचे, उनका स्वागत अनंत अंबानी ने किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी अंबानी के मेहमानों में शामिल थी। इनके अलावा मधु चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, लारा दत्ता और महेश भूपति, अमर सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ, रवीना टंडन और उनके पति अनिल थडानी, रतन टाटा, जैकी श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जावेद अख्तर और शबाना आजमी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, अनिल कपूर और सोनम कपूर, शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा, करीना कपूर भी पति सैफ अली खान के साथ पहुंची, युवराज सिंह पत्नी हेजल कीच के साथ पहुंचे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी अंबानी के मेहमान बने। माधुरी दीक्षित नेने ने भी अपनी उपस्थिति से इस आयोजन में चार चांद लगा दिए। जानवी कपूर भी अपने पिता बोनी कपूर और बहन खुशी के साथ शामिल हुई। घोड़ी पर बैठ ईशा के दूल्हे का इंतजार करते अनंत अंबानी। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी के मौके पर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया। बारात आने से पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में शादी को लेकर फैमिली वाले खासकर ईशा के भाइयों का उत्साह देखने लायक था। तस्वीरों में दोनों भाई आकाश और अनंत अंबानी भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दोनों भाइयों ने आनंद पीरामल की बारात के स्वागत के लिए स्पेशल तैयारी की। आकाश और अनंत घोड़ी पर बैठकर बारात का इंतजार करते दिखे। शादी के लिए एंटीलिया की खास सजावट की गई। लाइट्स और फूलों की सजावट से एंटीलिया की खूबसूरती में चार चांद लग गए। मुकेश अंबानी के आलिशान घर एंटीलिया पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
बेटी को दुल्हन के रूप में देख भावुक हुए मुकेश अंबानी। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल शादी के बंधन में बंध गए हैं। ईशा और आनंद दोनों ही कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में नजर आए। शादी के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ईशा ने शादी में व्हाइट कलर का लहंगा पहना। लहंगे पर गोल्डन कलर से कारीगरी की गई है। दुल्हन के जोड़े में ईशा का लुक काफी आकर्षक है। वहीं आनंद के लुक की बात करें तो वो भी दूल्हे के गेटअप में हैंडसम लग रहे थे। बेटी को दुल्हन के जोड़े में देख नीता और मुकेश अंबानी भावुक होते नजर आए। ईशा आनंद की शादी मुंबई स्थित अंबानी के घर एंटीलिया में हुई। एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शादी में हिलेरी क्लिंटन ने किया जमकर डांस। ईशा अंबानी की संगीत पार्टी में सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स या फिर खुद अंबानी परिवार ही नहीं बल्कि अमेरिकी राजनेता हिलेरी क्लिंटन भी खुद को रोक नहीं पाई। उदयपुर में हुई अंबानी परिवार की इकलौती बेटी की संगीत पार्टी में हिलेरी क्लिंटन ने शाहरुख खान और नीता अंबानी के साथ जमकर डांस किया। हिलेरी क्लिंटन शाहरुख खान के साथ पॉप स्टार और सिंगर बादशाह के गाने अभी तो पार्टी शुरू हुई है पर नाचती हुई नजर आईं। फिर गाना बदलते ही वो नीता अंबानी के साथ फिल्म गुंडे के गाने पर थिरकने लग जाती हैं। ईशा और आनंद की शादी की पहली तस्वीरें आई सामने। उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी आनंद पीरामल संग शादी के बंधन में बंधी। उनकी शादी की पहली फोटो सामने आई है। ईशा अंबानी ने मंडप में अपने भाइयों के साथ एंट्री ली। इस मौके पर आगे से उनके लिए छांव लिए चलने वाले भाई बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। जब ईशा दुल्हन बनकर शादी के मंडप में दाखिल हुई तो आनंद ने दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। ईशा ने भी उनके जुड़े हुए हाथों को अपनी हथेली में थाम लिया। ईशा और आनंद दोनों स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। वहीं मंडप में बैठे आनंद और ईशा वाकई राम और की तरह नजर आ रहे हैं। ईशा ने शादी में गुजराती पारंपरिक रेड एंड व्हाइट साड़ी पहनी। ईशा और आनंद दोनों ही कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में नजर आए। दोनों का लुक काफी आकर्षक लग रहा है। दुल्हन के जोड़े में ईशा का लुक देखते ही बनता है। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। We'll be right back.